अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। हम लोग भी खुश और मज़े में हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस सहरी का वक्त है और मैं बना रही हूँ पराठे। बच्चे सो रहे हैं इसलिए आपको मेरी थोड़ी हल्की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ बन रहे हैं पराठे, एक तरफ लस्सी और योगर्ट का सामान रेडी है। हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते सहरी में, अंडे पराठे और कभी कबाब और बिल्कुल कभी कोई हल्का सा सालन बनाया हो वो ही खा लेते हैं, क्योंकि सहरी के वक्त इस तरह हैवी और स्पाइसी नहीं खाया जाता। तो यहाँ बन रहे हैं पराठे, साथ में मैंने बनाया था दोपहर को थोड़ा सा बच्चों के लिए कीमे का सालन, मैं वो खाऊंगी और साथ में बनेंगे यहाँ अंडे। ये देखें, अंडे की जर्दी दो है, देखें। काफी पता हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग अंडे लेकर आते हैं ना, तो इसकी दो जर्दी होती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, हम लोग तो खुश हो रहे थे और जैकेट सकेट संभालने की तैयारियों में थे कि मौसम चेंज है, धूप वगैरह भी निकल रही थी, लेकिन अचानक ही इतनी सर्दी आ गई है। बाहर बारिश है, सुबह भी बहुत बारिश रही है और अभी भी बहुत सर्दी है। सहरी के वक्त कुछ सर्दी लगती भी ज़्यादा सर्दी। अब तो हम लोग यहाँ पर दुआ करते हैं कि आ जाए अब गर्मी, क्योंकि यहाँ मौसम का कोई पता नहीं होता। मैं पहले भी वीडियोज़ में बताती थी कि हम घर से धूप में निकलते हैं और फिर एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। तो खैर, दो तीन दिन से तो कंटिन्यूसली ही बारिश हो ही जा रही है। थोड़ी सी रूटीन डिस्टर्ब है, मेरी खुद की भी क्लासेस होती हैं, तो मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह और फ्रूट वगैरह और वाटर बॉटल रात को ही रेडी कर लेती हूँ, ताकि सुबह मेरी अपनी भी क्लास है तो बड़ा लिमिटेड सा टाइम है और मैं टाइम को वेस्ट किए बिना ही बच्चों को भी वक्त पे स्कूल भेज सकूँ और खुद भी जल्दी जा सकूँ। रमज़ान की रूटीन है, थोड़ी बिजी है, इबादतें भी करनी होती हैं, तो बड़ा मैनेज करना वक्त को मुश्किल हो रहा है। ये थी हमारी बड़ी इजी और सिंपल सी सहरी। सहरी में ज्यादा वाकई कुछ नहीं खाया जाता। और अभी मैं इसके अपने स्पाइसेस डालूंगी। ये देखें, ये है मेरा स्पाइसेस का जार, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है, तो मुझे ये बड़ा इजी और कन्वीनियंट लगा है कि मुझे कैबिनेट खोलकर प्रॉपर से नमक हर चीज़ जो स्पाइसेस मेरी डेली रूटीन के वो नहीं निकालने पड़ते, मैं इसी में से यहीं से उठाकर कर लेती हूँ और ये इजीली साफ भी हो जाता है, तो मुझे ये गिफ्ट बड़ा अच्छा लगा है। चाट मसाला आजकल ज़्यादा यूज़ होता है, तो इन भले आलू चने वगैरह में, तो वो भी मैंने इस जार में डाला है और वो स्पाइसेस जो मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है वो मैंने डालकर यहाँ पर पास ही सेट कर लिया है। यहाँ पर हम लोग करेंगे अब सहरी, लस्सी बनाऊंगी मैं और बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। हम लोग भी खुश और मज़े में हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। रमज़ान चल रहे हैं और हर घर में कुछ ना कुछ चल रहा है, कहीं ईद की तैयारी, कहीं कुछ अफ्तारियों पे जाने की तैयारी। मैं नैदरलैंड में बहुत दिनों से ये रमज़ान की चीज़ें ढूंढ रही थी कि मैं घर में इसको थोड़ा सा सजा सकूं, ताकि मेरी बच्चियों को पता चल सके कि घर में कोई चीज़ हुई है, कोई रमज़ान आए और हम इसको किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे यहाँ शॉप में ये सब सामान थोड़ा लेट मिला, तो आज मैंने थोड़ी डेकोरेशन की है, थोड़ा सा सजाया है, सोचे आप लोगों से शेयर करूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं बच्चियों के सामने ये सब कुछ इसीलिए करना चाहती हूँ ताकि बच्चियों को हमारे कल्चर का, हमारे रिलीजन का पता चलता रहे। और बस ये टेबल सेट हो चुकी है, साथ ही घर में हो रही है इफ्तारी की तैयारी। आज मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगी, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द इफ्तारी और सहरी की रूटीन दिखाती रहूं। साथ ही मैंने इफ्तारी के लिए काफ़ी चीज़ों को प्रिपेयर किया था। आज मैं बनाने वाली हूँ एयर फ्राइड में हॉट विंग्स,
हॉट विंग्स की बात सबसे पहले मैंने आपके साथ इसीलिए की क्योंकि एयर फ्रायर में जब हम कोई चीज बनाते हैं तो ये सबसे ज्यादा टाइम लेती है। थोड़ा 30 मिनट्स रह गए हैं अफ्तारी में, मैं सबसे पहले एयर फ्रायर में विंग डालूंगी और उसके बाद मैं बाकी चीजों की प्रेपरेशन करूंगी। उतनी देर में मेरे विंग्स गर्मा गर्म तैयार हो जाएंगे। एयर फ्रायर में चीज डालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस जगह को थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता है ब्रश के लिए। ये ऑयल फ्री चीज होती है और देखिए मैंने इसको अच्छी तरह यहाँ ब्रश लगा लिया, ब्रश से ऑयल लगा लिया। सॉरी अफ्तारी के टाइम है और मैं गलत गलत लफ्ज बोलूंगी तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा प्लीज। मैंने इसको लगा लिया है और अब मैं इसमें हॉट विंग्स डाल दूंगी। हॉट विंग्स मैंने यहाँ हलाल शॉप से लिए हैं, ये बहुत मज़े के हैं और ये बिल्कुल बाजार का टेस्ट देते हैं और एयर फ्रायर में ऑयल के बगैर हेल्दी हो जाते। लिए थे ये क्रिस्पी क्रंची हॉट विंग्स होते हैं और मैंने एयर फ्रायर में डाल दिए हैं। मैं इस पर थोड़ा सा ऊपर को भी ब्रश से ऑयल लगा देती हूँ ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। मैंने इसमें डालकर इसको टाइमर लगा दिया, मैं 20 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ लेकिन बीच में मैं इसको खोलकर चेक भी करूँगी, मैं इनकी साइड्स भी चेंज करूँ और ऑयल के बगैर चीज़, क्योंकि रमज़ान में अवॉइड करें, ऑयल कम ही यूज़ करें। ऑयल की तो वैसे ही यहाँ पर बड़ी मुश्किल हुई है, किल्लत हुई है हर जगह पर, तो मैं चाह रही थी कि मैं इसमें पकौड़े भी बना सकती हूँ लेकिन हमारे घर में बिना ऑयल के पकौड़े पसंद नहीं किए जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ पकौड़ों को इसमें फ्राई करती हूँ। बाकी मैं हर चीज़ एयर फ्राई में बनाती हूँ, इवन के बच्चों को अगर फ्राइज भी बना के देने हैं। सो एक तरफ मैंने पैन में ऑयल गरम किया बच्चों के आलू के पकौड़ों के लिए और एक तरफ मिक्स पकौड़े के लिए। यहाँ पर मैंने बनाई है फ्रूट चाट। इशाल और हुनैन का प्रॉब्लम है कि वो फ्रूट चाट नहीं खाती, तो मैंने ट्राई किया है कि मैं इनको इस तरह फ्रूट्स काट कर दूँ ताकि ये खा लें। बनाना मैंने इसमें इसलिए इतने कम डाले हैं क्योंकि ये काले हो जाते हैं, ये वाले फ्रूट्स अगर मेरे बच भी गए तो मैं नेक्स्ट डे इनको स्कूल के लिए या फ्रूट चाट के लिए यूज़ कर सकती हूँ। हम लोगों के घर में क्रीम चाट खाई जाती है, तो ये देखिए मैंने क्रीम को मिक्स किया था, ये पफ की क्रीम तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। क्रीम में मैंने थोड़ा सा दूध और शुगर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि मुझे बाद में मिक्सिंग में प्रॉब्लम ना हो। इसका तो मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर स्प्रेड करूंगी चाट मसाला। इसमें मैंने पापड़ी भी बनाई है, घर पर ही बनाई है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ऑलरेडी डाइनिंग पे मैं रख चुकी हूँ। ये रहे मेरे दही भले और फ्रूट चाट और बच्चों के फ्रूट्स। आज बस हम इतना ही खाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब व्लॉग भी शेयर करूँगी। ये मेरी सहरी और अफ्तारी के व्लॉग साथ ही आएंगे। सहरी में बस बच्चे साथ नहीं होते हैं क्योंकि अब उनका स्कूल है। हाँ, वीकेंड पे कोशिश करूँगी कि बच्चियों को उठाऊँ और बताऊँ कि हम लोग रोज़ा रखते हैं। बाकी वीक डेज में तो बेचारों की नींद ही पूरी नहीं होगी। हमारा रोज़ा बहुत लेट खुलता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, आप लोगों को पता है जब 1 घंटा घड़ियाँ आगे हो जाती हैं तो फिर बहुत लेट रोज़ा खुलता है। अभी शुरू शुरू के रोज़े हैं, थोड़े से जल्दी खुल रहे हैं 8:32, इस तरह आगे जाकर बहुत लेट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ों को मिस करती हूँ वो ये है कि यहाँ पर अजानों की आवाज़ घरों में नहीं आती। पाकिस्तान में या मुस्लिम कंट्री में जहाँ भी जाओ अजानों की आवाज़ आती थी। इवन यूएई में जब हम मॉल्स में भी जाते थे अफ्तारी के बाद तो अजान की आवाज़ शुरू हो जाती थी। यहाँ पर इन चीज़ों को हम लोग बहुत मिस करते हैं अपने कल्चर को। प्लीज़ इधर आए, इधर आए, ये मामा की हेल्प करें और टेबल पर सारा सामान रखना शुरू करें। मैं शालो हुनैन से इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी हेल्प इसीलिए लेती हूँ ताकि इनको भी आइडिया हो और ये लोग बिला वजह का इस टाइम टीवी ना देखें। आप अपना ड्रेस तो दिखाएं, आपने आज क्या पहना है? एक सूट पहना है। आपने एक सूट पहना है? रेड कलर का। रेड कलर का।
मैं बच्चियों को रमजान में इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि ऐसे कपड़े ऐसी ड्रेसिंग जरूर इनको अच्छा लगता है। बच्चियों को इन चीजों का पता चलता है, ईद हो रमजान हो, कि हम लोगों ने अपनी कंट्री की इन चीजों को नहीं छोड़ना। केयरफुल बेटा, आप लेके जाएं, फिर बाकी का सामान लेके जाएं। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे सब कुछ फ्राई करने के बाद और टेबल सेट करने के बाद। था मेरे विंग्स रेडी हो गए थे, ये देखें कितने अच्छे बन गए, अंदर तक कुकू हैं। मैंने बीच में खोला था इनको साइड को चेंज करने के लिए ना, तो मैं इनको निकाल लूंगी। घोड़े बन गए। वैसे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तो घोड़ों को भी एयर फ्राई में ट्राई करूं, पर मुझे पता है कि कोई खाएगा नहीं। बस हो गया है इफ्तार का टाइम। बेटा दुआ करें। बुलाते रहें। अल्लाह हाफिज। एक बार आए अपने ड्रेसेस दिखा दें। वेरी गुड। चले बैठे हैं और अब खाना खाना शुरू करते हैं।